क्या इलेक्ट्रिक बाइक्स आर लोन परफॉर्मेंस? इलेक्ट्रिक बाइक्स स्टाइलिश नहीं होती. टेक अ क्लोजर लुक, दे आर रॉन्ग. जॉय ई बाइक्स, राइट द चेंज. कल भारतीय जनता पार्टी ने मनाया ब्लैक डे. सिलवासा के अटल भवन में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन. नमस्कार, मैं आशीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं सिलवासा न्यूज लाइन में. कल दादरा नगर हवेली भारतीय जनता पार्टी ने मनाया ब्लैक डे और इसी अवसर पर सिलवासा के अटल भवन में कल दोपहर 1:30 बजे प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया. देखिए इस प्रेस वार्ता में दादरा नगर हवेली पूर्व भाजपा अध्यक्ष दिग्विजय सिंह परमार ने क्या कहा, देखिए यह खबर. और ऐसे ही आसपास की खबरों को जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सिलवासा न्यूज लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. परमार साहब, किस तरह से आज जिस तरह से आपातकालीन इमरजेंसी को देखते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था? आज जैसा कि हम सबको मालूम है कि 25 जून 1975 को हमारे ऊपर आपातकालीन थोप दी गई थी इस कांग्रेस की सरकार द्वारा और समग्र देश में अफरा तफरी का माहौल था. उस विषय को लेकर समग्र देश में भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और कार्यक्रम कर रही है. आज सिलवासा के अंदर भी 2 कार्यक्रम हमने किए और साथ साथ में खानवेल में भी हमने कार्यक्रम किया. सिलवासा में अटल भवन पे कार्यक्रम हुआ और खानवेल के अंदर खानवेल कार्यालय में, और एक सेमिनार का भी आयोजन किया जहां पर हमने इस इमरजेंसी के माध्यम से हमने अपना विषय रखा. बहुत सारे लोगों को इमरजेंसी के बारे में मालूम ही नहीं है क्योंकि हमें इस तरह की कोई जानकारी या कोई इतिहास में भी इसका कहीं जिक्र नहीं है. तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि ये काले दिवस को जितने लोगों तक हम पहुंचा सके उस विषय को लेकर हम लोगों को जागरूकता फैलाएं और कांग्रेस द्वारा किया गया ये कृत्य हम लोगों के सामने लाएं, और उस विषय को लेकर हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी.